हेलो गाइस, मैं भूमिका मेकओवर से आज मैं दिखाती हूँ आपको जिस जिस कस्टमर की इस तरीके से आपके पास अगर कस्टमर आते हैं या कोई भी आपकी आईब्रोज इस तरीके की हैं तो आप कैसे उनको शेप दें। तो देखिए, जब भी आपको इस तरीके की आईब्रोज में आर्च चाहिए होता है तो आप हमेशा ही ध्यान रखें ऊपर से बहुत एक्स्ट्रा बाल निकालें, बहुत ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्च जब भी दिया जाता है तो नीचे की तरफ से शेप बहुत अच्छी दोगे तो ही आर्च अच्छा आएगा। तो ये देखिए, मैंने ऊपर से बहुत कम बाल निकाले हैं, नीचे से शेप देने की कोशिश की। देखिए जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से आपको आर्च में शेप देनी है। अपने धागे को इस तरीके से रखें, ये देखिए। और देखिए, मैंने नीचे भी बहुत ज़्यादा बालों को नहीं निकाला है, एक्स्ट्रा ही निकाले हैं, क्योंकि देखिए कस्टमर को आज के टाइम में ये होता है कि सबको मोटी आईब्रोज चाहिए होती है, पतली किसी को नहीं चाहिए। इनकी आईब्रोज में कट था, तो जब भी कभी आपके पास ऐसे कोई कस्टमर आते हैं या आपकी खुद की आईब्रोज ऐसे कटिंग कट वगैरह होते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि पहले आपको कट वाली आईब्रोज को करना है। देखिए, मैंने पहले वो कर दी क्योंकि मैंने इनके कट को नहीं देखा था, बट जब भी ऐसा कुछ हो तो पहले आप अपना जो आईब्रोज में कट है उसकी शेप दें, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरी आईब्रोज की शेप दें। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से इनको सिर्फ ऊपर से एक्स्ट्रा निकाला है, नीचे से इनकी बहुत अच्छी मैंने आर्च की शेप दी है, ये देखिए। और देखिए, मेरे पास जितनी भी आईब्रोज आएंगी जिस तरीके की मुझे लगता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आईब्रोज की मैं शेप दिखाऊँ तो मैं उस तरीके की अपने चैनल पे वीडियोस बना बना के डालती रहूँगी। तो ये देखिए, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो हमें मोटिवेशन आता है वीडियोज़ बनाने का। तो ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने इनकी आईब्रोज़ बनाई है। और ये देखिए, कोई मेरी मॉडल नहीं, मेरी कस्टमर थी तो मुझे लगा मुझे इस तरीके की दिखाना चाहिए कि ऐसी आईब्रोज़ में कैसे आर्ट शेप दें। और देखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए।